here to subscribe. चलो अच्छे दोस्त बन जाएं। लगता है छोटी रेलगाड़ियां गप्पे मार रही हैं और मजे कर रही हैं। तो सबसे अच्छी मालगाड़ी को ट्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। वाह, क्या सच में? ऐसा ही हुआ था। ओ? सिंग सिंग आई है, इसका काम खत्म हो गया होगा। सिंग सिंग, हाय सिंग सिंग। हेलो, सुनो सिंग सिंग, यहाँ आ जाओ, डीजल मजेदार कहानी सुना रहा है। सच कहा, मेरी तो हंसी नहीं रुकी। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी कहानी फिर से सुना सकता हूँ। सॉरी, मुझे आज जल्दी सोने जाना है। बाय। ओह ठीक है, मुझे पता था। क्या पता था? यही कि सिंग सिंग हमारे साथ नहीं खेलना चाहती। मुझे लगता है सिंग सिंग को अकेले रहना ज्यादा पसंद है। वो कभी हाय कहने के लिए धीरे नहीं होती और हंसती भी नहीं है। क्या सच में? हमेशा अकड़ में रहती है। मैं अकड़ में नहीं रहती, कल मुझे सुबह काम के लिए जल्दी उठना है। जूजू शहर में एक नया दिन। सिंग सिंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुनो सिंग सिंग, नहाने जा रही हो क्या? हाँ टीटीपो। डीजल ने सही कहा, सिंग सिंग कभी भी मुस्कुराती या हंसती नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है अब। सिंग सिंग, लाला, मैं मिस्टर हर्ब की तरह लग रहा हूँ ना? हाँ थोड़े थोड़े तो। टीटीपो, तुम तैयार हो? काम पर जाने का समय हो गया। अरे वाह। तुम हंस पड़ी। टीटीपो, अगर तैयार हो तो अपने रूम पर जाओ। ठीक है। मैंने वैसे ही बोला था ना। हाँ। स्टेशन आ गया। चलो पहुँच गए, पहुँच गए। काम पूरा हो गया। सिंग सिंग, मेरे लिए रुको। हाय टीटीपो, तुम सच में तेज हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है तुम लकी हो। सच में? क्यों? तुम सबके बहुत अच्छे दोस्त हो टीटीपो। मुझे भी सबका दोस्त बनना है, पर मुश्किल है। हाय सिंग सिंग। बाय सिंग सिंग। मैं सबसे बहुत ज्यादा तेज हूँ और मैं बहुत कम स्टेशंस पर रुकती हूँ, तो मैं हाय भी नहीं कह पाती। लेकिन मैं सबकी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। तुम अच्छे दोस्त बनाना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम करोगे? विश्वास करो, मैं कर सकता हूँ। मेरे पीछे आओ। ठीक है। टीटीपो ने फैसला किया कि वो दूसरों से दोस्ती करने में सिंग सिंग की मदद करेगा। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम सबको हंसाओ। सबको हंसाना है? मुझे देखो। देखा, हंसी आई है ना? हाँ। बढ़िया, अब तुम कोशिश करो। मैं? मुझे ये सब बहुत अजीब लगेगा। इससे सबको हंसी आएगी, देख लेना। चलो ठीक है। ये कैसा था? लगभग ठीक किया, चेहरे को थोड़ा और बनाने की कोशिश करो। ये बिल्कुल ठीक था। पर ये बहुत मुश्किल था। अब हम स्पीड पर काम करेंगे। स्पीड तो मेरी बहुत तेज है ही। सिंग सिंग। रुक जाओ। क्या हुआ टीटीपो? मैं तो बस कहना चाहता था स्पीड कम करो। स्पीड कम करूं? हाँ हाँ।
हाँ? तुम हमसे तेज हो तो हम सबके लिए तुम्हारे साथ चलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा धीरे चलने की कोशिश करो, तब तुम्हें हमसे बात करने का समय मिल जाएगा। तुम ऐसा करोगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, धीरे चलो धीरे चलो। अब तीसरी बात, अपने दोस्तों की तारीफ करो। तारीफ? हाँ, सभी ट्रेन्स को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अच्छा तो मेरी तारीफ करो। तुम्हारी? अभी करूँ? हाँ शुरू करो। मैं जानता हूँ मेरी बहुत खूबियाँ गिनवाई जा सकती हैं। तुम सबसे अच्छी रेलगाड़ियों में से एक हो। सच में? मुझे भी लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी कौन सी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगी, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब चलो भी बताओ ना। चिचिपो चिचिपो। टीटीपो से सीखने के एक दिन के बाद दोनों अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। ओ, उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। लो वो आ गए। तुम ये कर सकती हो। टीटीपो। सिंग सिंग भी यहाँ है। हेलो। हेलो दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे वाह, दिखाओ ना, क्या दिखाना चाहती हो? ठीक है, दिखाओ हमें। तैयार हो? सिंग सिंग, क्या हुआ तुम्हें? बीमार तो नहीं? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से टीओ को दिखाओ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तुम पहले जैसी नहीं लग रही हो। कुछ तो अजीब है। हाँ सुनो दोस्तों, सिंग सिंग तुम दोनों को कुछ बताना चाहती है। अच्छा क्या बात है? शुरू हो जाओ। अब तुम जल्दी से इन दोनों की तारीफ करो। जेनी, मुझे लगता है तुम एक मजबूत और बहुत मेहनती रेल हो। तुम्हें सच में लगता है मैं मजबूत हूँ? हाँ डीजल, तुम बहुत साफ सुथरे और प्यारे हो। सिंग सिंग, मुझे लगता है तुमने उल्टा बोल दिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि जिनी साफ सुथरी और डीजल बहुत ताकतवर है। मैं ठीक से नहीं कह पाई। मैंने पहले तुम्हें गलती करते हुए नहीं देखा। मैंने भी नहीं। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं सच में मजबूत हूँ। और मैं जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा साफ हूँ। काम बन गया। टीटीपो। सिंग सिंग। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं सबकी दोस्त बन पाई। देखा सिंग सिंग, मैंने कहा था ना मैं मदद कर सकता हूँ। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया है। कौन सा काम? एक साथ घूमने के लिए जाना। कहीं घूमने के लिए जाना है? बाहर घूमने जाना दोस्ती बढ़ाने का अच्छा तरीका है। तुम जाकर डीजल और जीनी से पूछो कि वो हमारे साथ घूमने चलेंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों। अब उनसे पूछो, जाओ ना। क्या हम चारों घूमने के लिए साथ चले? बहुत अच्छा आइडिया है, सब जाएंगे तो कितना मजा आएगा। मैं तैयार हूँ। मैं भी। आखिरकार पिकनिक पर जाने का दिन भी आ गया। वाह, कितना अच्छा दिन है। सच में बहुत अच्छा। बंदरगाह सबसे अच्छी जगह है क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। रास्ते में बात करना कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो समुद्र नजर आने लगेगा हमें। हाँ सिंग सिंग। जी मिस्टर हर्ब। आज बहुत ज्यादा टूरिस्ट हैं, इसलिए हमें एक्सप्रेस ट्रेन की जरूरत है। क्या तुम आज दोपहर को काम कर सकती हो? जी। शाबाश, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ। ठीक है। क्या तुम्हें सच में जाना पड़ेगा?
हाँ, मिस्टर हर्ब को मेरी जरूरत है। पर हम बस पहुँचने ही वाले हैं। सॉरी दोस्तों। मैं सिंग सिंग के साथ खेलना चाहती थी। मैं भी। हाँ, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। सच में? मेरे पीछे आओ। ए, रुको। सिंग सिंग ने काम पूरा कर लिया है और अब घर लौट रही है। काश मैं पिकनिक पे जा पाती। सिंग सिंग। हाय दोस्त। अरे दोस्तों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो पिकनिक? हम तुम्हारे बिना घूमने कैसे जा सकते थे? साथ में घर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। पिकनिक हम फिर कभी चले जाएंगे। शुक्रिया, तुम से बहुत अच्छे हो। हमें शुक्रिया मत बोलो, अच्छे दोस्त ऐसे ही होते हैं। सही कहा। अपने अच्छे दोस्तों की वजह से सिंह सिंह आज बहुत खुश नजर आ रही है। मैं जाऊंगा खदान में। खिली हुई धूप के साथ सुबह हो रही है। ये आया टीटीपो। गुड मॉर्निंग मिस्टर हब। हेलो टीटीपो, आज तुम्हारी छुट्टी है। मुझे पता है आज मुझे काम नहीं करना। क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? क्यों नहीं, जाकर खेलो। वाह, मजा आएगा। बाद में मिलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। बाहर आकर कितना अच्छा लगता है। ओ, डीजल। ओ, हेलो डीजल। हेलो टीटीपो, कैसे हो? तुम कहाँ जा रही हो? आज मेरी छुट्टी है इसलिए बाहर खेलने आ गया। मुझे खदान में जाना है कुछ पत्थर लाने के लिए। क्या खदान में? खदान क्या होती है? वहाँ पर पत्थर निकालते हैं और मेरा काम बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। हाँ, तुम भी चलना चाहते हो? क्या मैं आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आ जाओ तुम भी। ओ, मेरे लिए रुको। टीटीपो डीजल के पीछे पीछे क्वारी यानी खदान में गया। डीजल, अभी और कितनी दूर जाना है? बस पहुंचने वाले हैं। तुम हर बार यही कहते हो लेकिन हम चलते ही जा रहे हैं। सब्र रखो मेरे दोस्त। हे, वो रही खदान। कमाल की जगह है। संभाल के, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो कहा ही था मैंने तुमसे। हे डीजल। ओ? ओ? कैसे हो भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा काम पूरा हुआ, तुमसे बाद में मिलता हूँ दोस्त। ठीक है, ध्यान रखना अपना तुम। यहाँ से ये चट्टाने निकाल कर मशीन में डाल देते हैं, फिर वो बड़ी चट्टाने मशीन में टूट कर छोटे पत्थर बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। फिर वो छोटे पत्थर हमारे डब्बों में भर दिए जाते हैं ले जाने के लिए। ये सब कितना कमाल का है। ये क्या हो रहा है? वहाँ ऊपर देखो, वो पहाड़ तो टूट रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो डीजल। तुम डरो मत, वो विस्फोट कर रहे हैं चट्टानों को तोड़ने के लिए। ओ, अब समझा। अगला नंबर तुम्हारा। ठीक है, यही इंतजार करो। ठीक है। डीजल खदान पर पहुंच गया है। डीजल हाजिर है। ठीक है, अपनी जगह पे आ जाओ। ठीक है, आप पहुंच गया। लोडिंग के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। मैं पूरा भर गया हूँ। डीजल। चलो चलते हैं। तुम्हें लगता है तुम इसे खींच लोगे? ये तो सभी मालगाड़ियों के लिए आम बात है। क्या सच में? बिल्कुल, उस तरफ देखो। तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत मजबूत है। हाँ, सही कहा। हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए। क्या ये हमेशा ऐसे ही गाते हैं? हाँ, काम करते हुए गाना गाने में मजा आता है। मुझे भी ये गाना आता है।
एक दो तीन चार बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार मालगाड़ी आ गया, हम है शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए तालियाँ। ये बिल्कुल नहीं थक रहे हैं, कमाल की बात है। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार मालगाड़ी आ गया। तो तुमको खदान में आकर कैसा लगा? मुझे सच में बहुत मजा आया। मैं चाहता हूँ मैं खदान में काम करूँ। शायद तुम्हें इस काम के लिए नहीं बनाया गया। क्यों? मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है। मैं करके दिखाऊंगा। टिटीपो टिटीपो। अगले दिन सुबह टीटीपो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। काम शुरू। हम अब चलते हैं। हेलो मिस्टर हब। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग टीटीपो। तुम पर इतनी सारी धूल क्यों लगी है? तुम्हें हमेशा खुद को साफ रखना चाहिए। लेकिन धूल में तो मैं अच्छा लगता हूँ। इस समय तो मुझे काम पर जाना है, तो वापस आकर मैं खुद को धो लूंगा। मुझे पता है तुम्हें अभी जाना है, लेकिन अगली बार अपने आप को साफ करके आना। ठीक है, फिर मिलते हैं मिस्टर हब। कल जो वो मालगाड़ियाँ देखी थी कितनी अच्छी थी। एक दो, ये बिल्कुल भारी नहीं है। अरे वाह। मैं तो स्टेशन पर पहुंच गया। आज मैं तेज आवाज में बोलूंगा, जैसे उन ट्रेन्स ने किया था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो चलो चलते हैं। मुझे भी वो वाला गाना गाना चाहिए। बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार। ये कैसा शो है? बढ़े चलो एक दो तीन चार, मालगाड़ी आ गई यार, हम है शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए तालियाँ। बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार, बढ़े चलो बढ़े चलो। मैं वापस आ गया मिस्टर हब। टीटीपो, ये बताओ तुम्हारे रूट पर आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं। मुझे पता चला है कि तुम यात्रियों से चिल्लाकर बोले और फिर ऊंचा ऊंचा गाने लगे। कल खदान में मैं कुछ अच्छी ट्रेन से मिला था, मैं बस उनके जैसा बनना चाहता था। लेकिन तुम मालगाड़ी नहीं हो, तुम यात्री गाड़ी हो। अगर तुम ऊंचा बोलोगे या गाओगे तो सब परेशान हो जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन हमेशा चुपचाप काम करने में मजा नहीं आता। मुझे जोश वाला मजेदार काम चाहिए। यात्रियों को लाना ले जाना भी मजेदार काम है। आज के बाद से तुम अपनी आवाज धीमी रखोगे। जी सर। फ्री ट्रेन बनना ज्यादा मजेदार है। शायद मैं फिर से खदान में जाऊंगा। मालगाड़ी को काम करता हुआ देखने के लिए टीटीपो खदान की तरफ चल पड़ा। वाह! पता नहीं डीजल कहाँ है। वहाँ पर है डीजल। टीटीपो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखने आया हूँ। लेकिन ये मेरा आज का आखिरी चक्कर है और दूसरों का भी घर जाने का वक्त हो गया। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें काम करते देखना चाहता था। है दोस्त। तुम यात्रियों को ले जाने वाली रेल हो ना? मैं? हाँ ठीक कहा, लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम हमें शहर के स्टेशन तक ले जा सकते हो?
मैं लेके जाऊँ? हाँ, हमारी ट्रेन खराब हो गई है इसलिए यहाँ नहीं आ सकती। एक दूसरी गाड़ी भी है लेकिन अभी बहुत दूर है। जरूर, मैं आप सबको लेके जाऊंगा। आप सबका, अगर मैं ऊंचा ऊंचा बोलूंगा तो यात्रियों को परेशानी होगी। आप सबका स्वागत है। कितनी अच्छी रेल है। सही कहा। तो चलो चलते हैं। आराम से, धीरे धीरे। जब यात्री बैठे हो तो सफर आरामदायक होना चाहिए। डीटीपो अपने खास यात्रियों के लिए ज्यादा ही सावधान है। सुरक्षित और आरामदायक हम पहुंच गए। आखिरकार पहुंच गए। टीटीपो की वजह से मैं आराम से सो पाया। हमें पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अब हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे और जल्दी भी। मदद करके अच्छा लगा। टीटीपो। हाय डीजल। तुम्हारा सफर तो अच्छा रहा ना? हाँ। तुमने उनका समय बचा लिया। हाँ बिल्कुल, यात्रियों को लाना ले जाना भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुझे लगा तुम मालगाड़ी बनना चाहते हो। नहीं, अब नहीं। अपने यात्रियों को इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई। पर तुम मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते। गलत कहा, तुम अच्छे हो तो मैं बहुत अच्छा हूँ। सच कहूँ तो आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। सच में? बिल्कुल ठीक। सामान या यात्रियों को लाना ले जाना दोनों जरूरी हैं। टीटीपो, डीजल, तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। चूचू शहर की एक नई सुबह। ओ देखो, डीजल आ गया। डीजल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीटीपो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। मैंने सुना तुमने बहुत गलतियाँ की अपने पहले दिन। हाँ, शुरुआत में तो सब गलतियाँ करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने तो कोई गलती नहीं की। सच में? तुम शुरू से ही अच्छे थे। बिल्कुल, मेरे काम का पहला दिन बहुत ही बढ़िया था। हुआ कुछ यूँ। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ओह, आ गए तुम। कमाल की रेल, डीजल। हाँ, ड्यूटी के लिए हाजिर हूँ मिस्टर हब। सुनो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला रूट है तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। रुकिए सर। कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही याद कर लिया। ओ, कमाल कर दिया, तुम सबसे अच्छे हो। तो अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। जाओ डीजल, जाओ। चूचू शहर का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। फिर अपने पीछे मालगाड़ी की लंबी लाइन लेकर मैं बंदरगाह की ओर चल पड़ा। हेलो। हाँ? जरूर वही मशहूर डीजल हो गए तुम, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा सामान है। चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। वाह, मतलब जो सुना था वो सच है, तो लोड करता हूँ। ये एक, ये दो, ये तीन। लो हो गया। मैं जा रहा हूँ, अगली बार मिलता हूँ। बाय, ध्यान से जाना। ये मैं चला। मुझे लगता है ये ट्रेन डीजल है। मैं उसका फैन हूँ। इतना भारी सामान अपने पहले ही दिन खींच कर ले जाने वाली मालगाड़ी सिर्फ मैं ही हूँ। मजा आया? बहुत ज्यादा। आना ही था। तुम्हारी शिफ्ट का समय हो चुका है। ठीक है मिस्टर हब, फिर मिलेंगे। मुझे जाना है। मुझे विश्वास है तुम अपने रूट पर बेहतर करोगे। शुक्रिया। ठीक है, मैं बेहतर कर सकता हूँ। आज मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करूँगा। टीटीपो प्रैक्टिस करने के लिए प्रोडक्शन प्लांट की तरफ चल पड़ा। तो टीओ, सफर कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा और आरामदेह। प्लेटफॉर्म पर रुक कर दिखाओ। ठीक है, मुझे धीरे हो जाना चाहिए। मैंने कोर्स पूरा कर लिया। बहुत बढ़िया टीटीपो। सुनो टीओ, क्या मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूँ? क्यों नहीं,
जितना चाहो उतना कर लो, मैं तैयार हूँ, अब चलो। बढ़िया। टीटीपो ने पूरे दिन प्रैक्टिस की और रात को चूचू शहर लौट आया। जब यात्री बैठे हो तो सफर आरामदायक होना चाहिए। कभी झटके से मत रुको, हमेशा धीरे हो जाओ। टीटीपो। हाय जीनी। इतनी रात को क्या कर रहे हो? कल तुम्हें काम करना है। हाँ हाँ, और कल मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे, चिंता मत करो। शुक्रिया जीनी, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर सोऊंगा। ठीक है, मैं तो सोने जा रही हूँ। तो अब फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऐसे तो वो बहुत थक जाएगा। ढलान पर कभी तेज मत चलो। टीटीपो, तुम्हारे रूट का समय हो रहा है, तुम अब तक पहुँचे क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं भी आ रहा हूँ। मिस्टर हब, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। देर क्यों हो गई? तुम्हारा अलार्म नहीं बजा क्या? मैं माफी चाहता हूँ। यात्री इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी करो। ठीक है। अरे नहीं, आज तो दिन की शुरुआत ही गलत हुई। कोई बात नहीं, अच्छा सोचो तो सब ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चलो चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं। अरे बच्चे, क्या हो रहा है ये? इतनी धीरे क्यों चल रहे हो तुम? मुझे माफ कर दो, मुझे झपकी आ गई होगी। टीटीपो ध्यान दो। लो पहुंच गए, रुकने से पहले रफ्तार कम करो। हम स्टेशन पर पहुंच गए। मैं पहले रुक गया, निशान पर नहीं रुक पाया। जरा एक मिनट रुकिए। आप सब उतर सकते हैं अब। मेरे सर में चक्का ही लगाना था तो बता तो देते कम से कम। टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो। हाय दोस्तों। क्या बात है? फिर से गलती हो गई? हाँ, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। फिर से हो गई? कोई बात नहीं, हर ट्रेन से शुरुआत में गलती होती है। सबसे नहीं होती, डीजल ने बताया वो शुरू से ही अच्छा था। ये डीजल? हाँ, दूसरी ट्रेन ने उसकी तारीफ भी की थी। डीजल, तुमने फिर से डींगे मारनी शुरू कर दी? नहीं नहीं, मैं तो टीटीपो, मैं बताती हूँ असल में क्या हुआ था। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ओ, ये क्या डीजल? एक दो तीन चार पाँच, तुम्हारे साथ इतनी सामान गाड़ी क्यों लगी है? बहुत ज्यादा तो नहीं है? अभी तुम बिल्कुल नए हो, इसलिए ज्यादा भार खींचना ठीक नहीं है। मैं संभाल लूंगा, डरिए मत। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम दो ही माल डब्बे लेकर जाओगे। ठीक है सर। हाँ, वैसे इतने ज्यादा भी तो नहीं थे वो। हाँ, वो अंदर गए। कोई देख तो नहीं रहा मुझे। मैं चुपचाप निकलता हूँ। वाह, ये बंदरगाह कितना सुंदर है। हेलो मिस्टर क्रेनी, मैं नई मालगाड़ी डीजल हूँ। हाँ, तो काम का पहला दिन है। हाँ, एक मिनट रुको बच्चे। आए, आ दो, और हो गया। इतने ही मिलेंगे मुझे? मैं इससे ज्यादा ले जा सकता हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर ऐसा है बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं ज्यादा ले जा सकता हूँ। सच में? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं रख देता हूँ। लोडिंग, लोडिंग, लोडिंग। अब तो खुश हो तुम? पटरी पे ध्यान से चलाना। ठीक है, गुड बाय मिस्टर क्रेनी। गुड बाय, मिलते हैं बच्चे। हाँ, जरूर नया होगा। इतने सारे सामान के साथ तेज चलना खतरनाक होता है।
मैं हर काम इतना अच्छा कैसे कर लेता हूँ। अब अपनी रफ्तार को आजमाता हूँ। तो डीजल अपने काम के पहले दिन पर जमीन पर गिर गया था। अगर सही समय पर उसकी मदद नहीं की जाती तो वो दोबारा चूचू टाउन नहीं आ पाता। सच में? ये है सच्चाई। गलत बात डीजल, उस दिन तुमने मुझे वो झूठी कहानी क्यों सुनाई थी? वो मैंने झूठ बोला था, पर ये भी तो सच है कि हम सब पहले दिन गलती करते ही हैं। क्या? मुझे तो याद नहीं। क्या गलतियाँ की थी? वो कहानी मैं सुनाता हूँ। जीनी के पहले दिन सुबह बहुत बरसात हुई तो पटरियों के आसपास पानी जमा हो गया। चीनी ने ध्यान ही नहीं दिया और कीचड़ उछलकर उस पर लग गया। हेलो दोस्तों। हेलो। ओ हंस क्यों रही हो? ओ मॉम, उस रेल को देखिए कितनी गंदी है। ऐसे नहीं बोलते बेटे। क्या, इसने कहा मैं गंदी हूँ? हैरानी की बात है। मुझ पर कीचड़ लग गया, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। काश मैं इसे धो पाती। और जीनी अपने कीचड़ वाले चेहरे से इतनी परेशान थी कि वो एक स्टेशन पर रुके बिना ही चली गई। और वो रास्ता भूल गई। ये हम समुद्र के ऊपर कहाँ जा रहे हैं? इतनी बड़ी गड़बड़ की थी इसने। तुमने भी तो मेरी बात बताई थी। हाँ, लेकिन मैंने बढ़ा चढ़ाकर नहीं सुनाई थी। पर मैंने तो सिर्फ सच ही बताया है। ये ठीक नहीं है। तुम तो बोलो ही मत ये सब। बस बहुत हुआ, झगड़ना बंद करो। शुक्रिया दोस्तों। पहले मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम दोनों ने गलतियाँ की होंगी, लेकिन तुम्हारी कहानियाँ सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ टिटीपा। एक बात कहूँ, मेरी तरह बनने के लिए तुम्हें अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा मुकाबला नहीं डीजल। दूसरी रेलगाड़ियों से भी गलती हो जाती है। टीटीपो, मुझे विश्वास है कि कल तुम बेहतर करोगे।